सर 24 की तो बात हमने बहुत की, 25 को लेकर क्या है? बड़े वो एक एनडीए की ओर से तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फेस होंगे और इंडिया की ओर से तेजस्वी यादव, तो आप किसको सीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं आपके हिसाब से कौन तेजस्वी? एक बात, आप अभी ज्योतिष बन जाएंगे और अभी से मैनिपुलेशन करने लगेंगे, आप अभी बिहार हुआ नहीं ताकि बेटा का ही सपना देखने लगी है भैया, ये आम धारणा है। नीतीश बाबू के बारे में बीजेपी ने चर्चा शुरू कर दी है कि हम अकेले लड़ेंगे या हमारे बीजेपी की मुख्यमंत्री होगी, कई बीजेपी के नेताओं ने यह बात बोल दिया है। तो आप एक तो उसकी चर्चा चिंता छोड़ दीजिए, नीतीश बाबू कितने दिन आपके साथ या नीतीश बाबू के साथ कौन कितने दिन रहेंगे वो तो समय बताएगा, परिस्थितियां क्या आएगी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव झारखंड चुनाव के बाद, देश के हालात क्या होंगे। एक बात रही महागठबंधन की, स्वाभाविक लीडर आज के डेट में जो महागठबंधन है जो सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी जी उस बड़ी पार्टी के उस पिता के बेटे हैं जो वो चाहेंगे कि सीएम बने, लेकिन यदि मैं कांग्रेस के साथ हूँ या कांग्रेस हम पर भरोसा करेगी और कांग्रेस को लगेगा कि पहले गठबंधन तो जो होना होगा वो चुनाव के वक्त होगा, तो वो तय करना है कांग्रेस के नेतृत्व को, उसमें मैं ना 3 में हूँ ना 13 में, हमेशा ऊपर से गठबंधन तय होता है। मैं एक प्यादा हूँ, मैं कोई घोड़ा किश्ती मंत्री नहीं लूंगी, लेकिन प्यादा की वैल्यू होती है। लेकिन इस गठबंधन प्यादा को हटा दो तो राजा को नहीं बचाया जा सकता। अगर गठबंधन ने तय किया सर, मेरी बात मैं वही कह रहा हूँ कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, मैं तो वही कह रहा हूँ कि पहले तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से मजबूत हो, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस कम से कम 100 सीट पर लड़े, किसी भी परिस्थिति में यदि 70 सीट पर लड़े तो कांग्रेस की यह परिस्थिति बने कि कांग्रेस 100 से नीचे ना लड़े, जिनको लड़ना हो 150 में लड़े लेकिन कांग्रेस 100 से ना लड़े, यह कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ा है, भरोसेवर है कांग्रेस, तभी गठबंधन की जरूरत थी देश बचाने की, अब गठबंधन की मजबूरी नहीं है कांग्रेस की, यह आप समझ लीजिए। हमें परास्त करना है बीजेपी गठबंधन, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे मजबूर है, अब सबको बराबरी का सम्मान देना पड़ेगा, और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि यदि कांग्रेस उम्मीद हमारे साथ रखेगी तो हम इक्वलिटी इक्वल फुट पे जो है चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की बात करेंगे, जहां तक आप कल तय जो करना हो जिनको करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर तेजस्वी के चेहरे पे अगर अलायंस जाता हो आज के और 100 सीट कांग्रेस को अच्छा, मिलता हो, ये 100 8 महीना 9 महीना 1 साल की बात हम आज ही आपसे कैसे इस बात को करें, कल क्या होगा राजनीति में किसने देखा है। ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस जिस चीजों को तय करेगी मैं वहां पर मैं साथ रहूंगा।